दोस्तों ये देखो, हमने जो है अपना सारा किल इसमें लगा दिया हुआ है। अपने इस आप देख सकते हो बोर्ड में, अपनी बाइक को चढ़ाने वाले हैं, साइकिल को चढ़ाने वाले हैं, उसके बाद सभी काम टेस्ट लेने वाले हैं कि इसमें नोक है कि नहीं। मैं आप लोग को इधर दिखाता हूँ, ये देखो, वाह। तो दोस्तों मैं हूँ विकास और आप देख रहे हो इकोमैन XYZ। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को क्या दिखाने वाला हूँ, तो इसके लिए प्लीज आप लोग वीडियो स्टार्ट से और एंड तक देखिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक बोर्ड है, और दोस्तों ये देखो, ये जो है बहुत सारे यहाँ पे किल्स हैं, ये देखो बहुत ही ज़्यादा किल्स हैं। दोस्तों ये किल्स का साइज आप देख सकते हो, जिसको दोस्तों हम लोग जो है कांटी भी बोलते हैं, ये किल्स है। दोस्तों हम इन सब को क्या करने वाले हैं, ये जो अपना प्लाई बोर्ड है इसी में इन सभी को, ये जो देख रहे हो, देखो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये देखो सभी ग्रिप बनाया हुआ है यहाँ पे, इसी में सभी को हम जो है ठोकने वाले हैं, यानी कि डालने वाले हैं यहाँ पे ऐसे। और दोस्तों हम उसके बाद से इस पर क्या करने वाले हैं, ये जो अपनी बाइक है ये देख रहे हो, इसको चढ़ाने वाले हैं। और दोस्तों जो अपना टायर है इस बाइक का, क्या बच पाएगा कि नहीं, आज के इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। तो दोस्तों इन सारे किल्स को इस बोर्ड में हम चलिए लगाते हैं। इसको लगाने के लिए हमने जो है दो दो इंच का, आप यहाँ पे ये देखो, दो दो इंच का हमने जो है यहाँ पे गैपिंग दिया हुआ है सभी किल्स के लिए, ये देखो। दोस्तों अभी यहाँ पे जो है ड्रिल करना बाकी है, तो इन सभी को पहले ड्रिल करते हैं और उसके बाद से सारे कांटी को जो है हम इस प्लाई बोर्ड में लगाते हैं। ड्रिल करने के लिए दोस्तों ये देखो, मेरे पास यहाँ पे ड्रिल मशीन भी है, ये देखो। तो दोस्तों इसको चलिए सबसे पहले जो है मैं ड्रिल करता हूँ। इसको ड्रिल करने के लिए दोस्तों ये देखो, जो ये गैप बना हुआ है यहाँ पे हमको ड्रिल करना है, ये देखो। तो दोस्तों ये देखो, हमने जो है ड्रिल मशीन से ये सारा होल कर दिया हुआ है, आप ये देख सकते हो यहाँ तक किए हैं, ये सब हो चुका है। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, इस सारे किल्स को, ये जो इतने भी होल हुए हैं ये देख रहे हो, सभी को एक एक करके चलिए इसमें जो है इन सारे किल्स को हम डालते हैं। उसको डालने के लिए दोस्तों हम जो है यहाँ पर रखते हैं, ये देखो यहाँ पर रखता हूँ, और दोस्तों यहाँ से जो है हम एक एक किल को डालने वाले हैं, ये देखो ऐसे करने वाले हैं। वाह दोस्तों ये देखो, हमने जो है अपना सारा किल इसमें लगा दिया हुआ है। अपने इस आप देख सकते हो बोर्ड में, दोस्तों इसको जो है मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये देखो। दोस्तों इसमें टोटल जो है 300 किल लगा है, 300 किल लगा है इस अपने बोर्ड में। और दोस्तों इसमें जो है हम कई सारा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जैसे अपनी बाइक को चढ़ाने वाले हैं, साइकिल को चढ़ाने वाले हैं, उसके बाद सभी काम टेस्ट लेने वाले हैं कि क्या इसमें चढ़ाने के बाद अपनी बाइक का टायर बच पाएगा कि नहीं, साइकिल का टायर बच पाएगा कि नहीं। तो ये आप देख सकते हो,
और दोस्तों मेरे पास एक गुब्बारा है, मैं आप लोग को एक ट्रायल दिखा देता हूँ। ये देखो कि इसमें नोक है कि नहीं, मैं आप लोग को इधर दिखाता हूँ। ये देखो, वाह, ये बूम कर गया दोस्तों। ये जो है बहुत ही चौकीला है। यहाँ पे एक ट्रायल मैं आप लोग को और देता हूँ। ये देखो, ये आप देख सकते हो, इसको भी मैं लगा रहा हूँ, उसके बाद देखना। वाह दोस्तों, ये जो है बहुत ही नोकीला है। तो चलिए अब इस पर अब जो है अपनी बाइक चढ़ाते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, हमने जो है पूरा ये सेटअप कर लिया हुआ है दोस्तों। इधर से अपनी बाइक चढ़ेगी और इधर जाएगी, हमने जो है पूरा सेटअप कर लिया हुआ है। तो दोस्तों ये रही अपनी बाइक, ये देखो। तो दोस्तों चलिए अब जो है अपना बाइक को लेकर चलते हैं और फिर देखते हैं कि इसके टायर का क्या हाल होता है। तो गाइस आप ये देख सकते हो, हमने जो है अपने पहिए को इस, आप देख सकते हो, इस कांटे पे चलाया था। और दोस्तों अपना पहिया आप देख सकते हो, इसमें अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, आप ये देख सकते हो। दोस्तों ये जो है पल्सर N160 थी और दोस्तों आप लोगों ने देखा है 300 किल्स था जिसमें हमने चढ़ा दिया था। और दोस्तों मैं आप लोग को इधर दिखाता हूँ, मैं इस पर चल के दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, इसमें भी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों चलिए आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,